हेलो स्टूडेंट, मैं सांसा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को पढ़ने वाले हैं, अर्थात स्थानीय मान व जातीय मान। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी अंक का दो मान होता है। एक तो उसका शुद्ध अंकीय मान अर्थात जातीय मान, जिसको हम लोग इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, और दूसरा उस अंक का स्थानीय मान अर्थात उसे हम इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो चलिए हम लोग आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है स्थानीय मान और अंकीय मान को समझने से पहले आप लोगों को आपको क्या बोलते हैं, भारतीय जो संख्या पद्धति है वो आपको भली भांति आता ही होगा, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, इस तरीके से। तो ये हम लोग जानते ही हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे 5434 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें। ठीक है, तो 5434 में हमें 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हल। ठीक है, 5434 हमें देखना है कि 3 किस प्लेस पे है, किस स्थान पे है। तो ये जो हमारा 3 है, जहाँ अगर आप देखें इसको अभी हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो 4 है ये इकाई स्थान पर है और ये 3 जो है दहाई स्थान पर है और ये 4 सैकड़ा के स्थान पर है और ये 5 हजार के स्थान पर है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 4 का स्थानीय मान इकाई स्थान पर है, ये तो 4 इकाई 4 हो जाएगा, और 3 का स्थानीय मान तो 3 दहाई के स्थान पर है तो 3 दहाई 30 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 4 का स्थानीय मान तो 4 सैकड़ा के स्थान पर है तो 4 सैकड़ा 400 हो जाएगा, और 5000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग इसको इस तरीके से उदाहरण देकर आपको समझा रहे थे, तो अभी हमें इस प्रश्न में बोला गया है कि 5434 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें 5434 में जो 3 का स्थानीय मान है वो क्या हो जाएगा, हमारा 30 हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसी तरीके से अगर हम एक और प्रश्न देख लेते हैं, में 9 का स्थानीय मान। ठीक है, तो तैतालीस हजार 983 में, ठीक है, किसका स्थानीय मान निकालना है, हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो हमें यहाँ देखना है 9 किस प्लेस पे है, किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका मतलब 9 सैकड़ा के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 900। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आप लोग स्थानीय मान बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग शुद्ध अंकीय मान या जातीय मान, जिसे इंग्लिश में फेस वैल्यू कहा जाता है। तो देखिए, किसी भी संख्या का जातीय मान या फेस वैल्यू जो होता है वो किसी भी संख्या के अंक का जो जातीय मान या फेस वैल्यू होता है वो स्वयं वही संख्या होता है। जैसे कि अगर हम 43983 में 9 का स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात करें, ये अगर आ जाए तो
ये जो 43,983 है इसमें 9 का स्थानीय मान हो गया 900 और 9 का जातीय मान हो गया हमारा 9, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हमें इसी में 4 का स्थानीय मान बोलता तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 4 दहाई, ठीक है, 10,000 है, तो ये होगा 40,000 इसका स्थानीय मान। लेकिन अगर इसका जातीय मान बोलता तो 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 4। तो इस आधार से आप लोग समझ चुके होंगे कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान व जातीय मान क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें 4 का स्थानीय मान, ये वाले का अगर मान लेते हैं, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन वाला अंक है, जो डिजिट है, इसका स्थानीय मान अगर निकालने के लिए बोलेगा तो ये इकाई पे है, वंस प्लेस पे है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 4। और अगर इसका हमें फेस वैल्यू बोलेगा अर्थात जातीय मान अगर बोलेगा या शुद्ध अंकीय मान बोलेगा तो भी क्या होगा, 4। अगर हमें इसका स्थानीय मान बोल दे 5 का, तो 5 का स्थानीय मान 5,000, और 5 का अगर जातीय मान अगर पूछे, फेस वैल्यू पूछे, तो 5 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग स्थानीय मान व जातीय मान को समझ चुके होंगे। किसी भी संख्या का स्थानीय मान व किसी भी संख्या के अंकों का स्थानीय मान उस अंक के प्लेस को देखकर लिखा जाता है, अर्थात वो किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, हंड्रेड प्लेस पे, किस पे है, यानी कि अर्थात इकाई पे है, दहाई पे है, या सैकड़ा पे है, या हजार पे है, किस पे है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, चलिए इसको मिटाते हैं। एक दो और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारा संख्या है मई 8 का स्थानीय मान व जातीय मान लिखिए, ठीक है। तो 349,843, इसमें हमें 8 का स्थानीय मान लिखना है, ठीक है। तो इसमें 349,843, ठीक है, में स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा के स्थान पे यानी 800, ठीक है। और इसका जातीय मान या शुद्ध अंकीय मान क्या हो जाएगा, ये स्वयं, यानी कि 8 का फेस वैल्यू, 8 का जातीय मान वो 8 ही होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए तो इस तरीके से आप लोग स्थानीय मान व जातीय मान को समझ चुके होंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।